हेयर इज द पैसेज फॉर योर लिसनिंग टेस्ट. लिसन अटेंटिवली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट. इन लाइफ वी समटाइम्स हैव डिसएग्रीमेंट्स विद पीपल. व्हेन दिस हैपन्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई नॉट टू लेट अ काम डिस्कशन टर्न इंटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. बट ऑफ कोर्स दिस इज ईजियर सेड देन डन. द वे यू बिगिन द कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट शेयरिंग अ फ्लैट विद अनदर स्टूडेंट हु यू थिंक इजंट डूइंग हर शेयर ऑफ हाउस वर्क. इफ यू से लुक यू नेवर डू योर शेयर ऑफ द हाउस वर्क, द डिस्कशन विल वेरी सून टर्न इन टू एन आर्ग्यूमेंट. इट्स मच मोर कंस्ट्रक्टिव टू से समथिंग लाइक आई थिंक वी वुड बेटर हैव अनदर लुक अबाउट हाउ वी डिवाइड अप द हाउस वर्क. If you are the person who is wrong, just admit it. This is the easiest and best way to avoid an argument. Just apologize and move on. The other person will have more respect for you in the future if you do that. Don't exaggerate. Try not to say things like, you always come home late when my mother comes to dinner, when perhaps this has only happened twice. This will just make the other person think you are being unreasonable and will probably make him or her stop listening to your arguments.